हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैक। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। ये मुझे किसी ने कमेंट करके मैं कमेंट किया था कि मुझे इस क्वेश्चन मतलब कि 2014 से लेकर 2020 तक के सभी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मुझे आंसर चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसी कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे BSC थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पेपर है उसके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ये 2014 से लेकर 2020 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई कोई क्वेश्चंस रिपीट करके भी आ चुके हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको एग्जाम टाइम में केवल यही ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तैयार, इसी से ही क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। z-1 / z+1 = constant क्या हो जाएगा, हमारा ए स्ट्रेट लाइन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे w = u + iv, देन कॉची रिमान इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, du/dx = dv/dy एंड du/dy = -dv/dx। इसका ऑप्शन नंबर वी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ fz बी कॉन्टिन्यूस ऑन ए कंटोर l ऑफ लेंथ l एंड लेट m/fz < m M ऑन L, देन तो इसके लिए हमारा क्या होगा, m.lv वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ fz = sin z / z हैज रिमूवल सिमिलैरिटी एट, किसम रिमूवल सिमिलैरिटी हमारी कितने पे होगी, 0 पे होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेसिड्यूज ऑफ 1/z² + 1 का होल क्यूब एट z = i। यार फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्लस की यहाँ पे इक्वल की जहाँ पे i है, ये हमारा मिसप्रिंट हुआ था, इस चक्कर में मैंने आपको बता दिया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला b वाला इसका सही आंसर है। जैसे आप रेसिड्यूज निकालते हैं उसी तरीके से निकालना है, बस यहाँ पे कितने पे निकालना है, z = i पे आपको इसका रेसिड्यूज निकालेंगे तो 3i/16 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका b वाला सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स 0, इसलिए आर्ग्यूमेंट 0 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z = z0 देन z0 = बोथ a एंड b सिंगुलर पॉइंट एंड पोल्स हमारे कुछ भी हो सकता है, दोनों ही के लिए हमारा z = z0 होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन w = az + v वेयर a, v आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन c dz / z वेयर c इज द सर्कल z = e^i θ। यहाँ पे z है, z की जगह पे आप e^i θ रखेंगे एंड dz की जगह पे आप क्या रखेंगे, d e^i θ, z = e^i θ है, इसका आप एक बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे z के सापेक्ष इंटीग्रेशन सॉरी, तो dz आपका निकल के आएगा। और dz जब आपको निकल गया तो आप इसका सॉल्यूशन पूरा करेंगे लिमिट 0 से लेकर 2π, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2πi। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द फंक्शन f(z = sin 1/z) इज हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन का मुझे थोड़ा सा डाउट है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इसका आई थिंक mod z var है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -5 + 5i इस क्या होगा, हमारा 5√2e^3i π/4। ये हमारा इसका आंसर कितना होगा, सी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, इसमें हमारा कौन सा फंक्शन होगा जो एनालिटिक नहीं होगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको इतना डिस्कस नहीं किया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेसिड्यूज ऑफ 1/z³ - z³⁵ एट z = ±1i इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आई थिंक इसका आंसर आप चेक करिएगा एक बार फिर से, इसका आंसर आप निकालिएगा, ये आप लोगों को होमवर्क में है, आप लोगों को ये होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, f(z = sin z / z) हैज रिमूवल सिमिलैरिटी, ये हमने किया था, इसके बाद फिर से आ गया, इसका आंसर क्या है हमारा, ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा, वैल्यू ऑफ d(ω/dz) इज पोलर कोऑर्डिनेट्स विल बी a e^i θ d(ω/dr). तो इसका आंसर हमारा कितना है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, mod z - z1 = mod z - z2 z1 = not z2 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन का।
ओके, इसका बी ऑप्शन सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैंने आपको बता ही दिया है, अभी मैंने बताया है जस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला भी इसका आंसर एफ जेड स्क्वायर इसका क्या होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर फोर पॉइंट्स देयर आर डिस्टिंक्ट क्रॉस रेशियो डी फोर इक्वल टू, इसका आंसर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉ जेड इसका होगा एनालिटिक होगा फंक्शन, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ जेड इक्वल टू ए इन साइड सी देन, ये तो मैंने आपको बता ही चुका है, टू पाई आई इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा है, हमने पीछे भी यही क्वेश्चंस किए थे और ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट होके आ गए हैं। इसका मतलब है ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं रिपीट होके, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करिएगा। इसका हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, है पोलर फॉर्म ऑफ कॉशी रीमान इक्वेशंस आर, हमारी कॉशी रीमान जो पोलर फॉर्म क्या थी, डेडियो अपॉन डेर आर इक्वल टू वन अपॉन आर डेडियो अपॉन डेटीटा एंड डेडियो अपॉन डेर इक्वल टू माइनस का वन अपॉन आर डेडियो अपॉन डेटीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फ्रेंड्स आपने देखा ना, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एन की पावर एन जेड की पावर एन, तो इसका आंसर हमारा क्या है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनी फंक्शन ऑफ एक्स का एंड वाई पासिंग कंटिन्यूस पार्शियल डिफरेंश डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन इफ सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ रिप्रेजेंट स्क्वायर बाउंडेड, ये वाला आप छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू टेन वन अपॉन जेड इसका हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इनके आंसर बताए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड्स इसी तरीके की और भी आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे हमारी इन बहन ने मुझे बताया था कि इसको आपको रिक्वेस्ट में मुझे कमेंट किया था कि आपको इस पर वीडियो बनानी है एंड इस पर शेयर करना, तो मैंने इस पर ही वीडियो बना दी। इसी तरीके से आपको भी इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।